नमस्कार, आज सुनाने वाले हैं एक कहानी। जी हाँ, ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे एक संत रहते थे। वह जन्म से ही अंधे थे, लेकिन प्रतिदिन शाम को पहाड़ों पर भ्रमण के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपको दिखाई नहीं देता है और फिर भी आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ पर खाइयाँ भी होंगी, आपको डर नहीं लगता कि यदि किसी दिन आपका पैर फिसल गया तो? गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। फिर वह शाम को जैसे ही भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने अपने शिष्य को भी अपने साथ ले लिया और जाते समय रास्ते में उन्होंने कहा कि अगर खाइयाँ दिखाई दे तुम्हें तो मुझे अवश्य बताना। जैसे ही पहाड़ों पर दोनों जा रहे थे तो रास्ते में खाइयाँ दिखाई दी, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, खाइयाँ आ चुकी हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कर, उस खाई में मुझे धक्का दे दे। तो वह शक पका गया और बोला कि गुरुदेव, मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ, आप तो मेरे गुरु हो। तो गुरुदेव ने कहा कि है मेरी आज्ञा है कि मुझे खाई में धकेल दे, और यदि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तू नरक में जाएगा। अब शिष्य शक पका गया और उसने कहा कि मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुरुदेव, मैं आपको खाई में नहीं धकेल सकता। फिर गुरुदेव ने उससे कहा कि यदि तू मुझे धक्का नहीं दे सकता है तो मेरा मालिक अर्थात ईश्वर मुझे कैसे गिरने देगा इस खाई में? वह तो गिरे हुओं को उबारते हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं, इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ है। धन्यवाद।